Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. And this week is pretty serious. No, seriously. Before that, it's a fight against Godi Media. If you like this series, please press the subscribe button and share the video. So karna! The biggest data breach in the history. The data breach of 81.5 crore Indians. इसे confirm करने वाली news अभी तक नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पत्रकारों को पूछना चाहिए था सरकार से कि आम नागरिकों को हर बार आधार को लिंक करने को कहा जाता है, हर चीज में आपको इससे लिंक करो, उससे लिंक करो, और ये इंफॉर्मेशन हम देते हैं, और ये इंफॉर्मेशन जब लीक हो जाती है तो कोई सवाल पूछना नहीं आता। सुनते हैं आप? एंड देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये डेटा डार्क वेब पर $80,000 में बेचने के लिए रखा हुआ है। कोई सवाल नहीं, कोई मीडिया की बात नहीं, मणिपुर पर कोई बात नहीं हुई, एक्स नेवी ऑफिसर्स को जो डेथ सेंटेंस मिली कतर में उस पर कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन प्याज के दामों पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर रहा हमारा मीडिया। हाँ, वो करवा चौथ वरवा चौथ मना रहा होगा, कोई सीमा हैदर और सचिन वो चल रहा है। सच्ची हैदर ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अपना करवा चौथ मनाया है। ये सीमा पूरे पारंपरिक तौर से यहाँ पर सीरियसली दिस पिक्चर वॉज गोइंग वायरल। मोदी जी भी देखेंगे तो कहेंगे जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तुम स्टूडियो के अंदर बुलेट प्रूफ पहन के बैठे हो, इसी समझ में आता है कि तुमने क्या रिपोर्टिंग की और क्या करके आए हो। देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज, मीडिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट एज आई टोल्ड यू, बट यार सम पीपल आर जोकिंग अबाउट इट, द ड्रेस कोड। या बात पे जाना नहीं, मतलब रूबिका जी का और ANI वाली स्मिता प्रकाश जी का ड्रेस कोड एक था। लोगों ने कहा यार स्क्रिप्ट भी सेम मिल रही है, ड्रेस कोड भी सेम, मतलब समझ रहे हो ना। एनीवे लेट्स गो फॉर गोदी नंबर 5। क्या चें 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 चलती रहती है। लेट्स टॉक अबाउट रिपब्लिक। काउंट तो करो कितने पैनलिस्ट है। ये क्लिप वायरल हो रहा था, मतलब इसे न्यूज चैनल क्यों कहते हैं? तो इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? एंड देन पीपल वर कनेक्टिंग डॉट्स विद कंगना रनावत्स मूवी। सी हाउ क्रिएटिव पीपल आर। नहीं, मैं बता दूं कैसे जोड़ा कनेक्शन, कि इतने सारे लोग हैं, कोई एक पिक्चर देखने चला जाता। Anyway, let's come back here. So many people and no one is making sense and no one is listening to other one. मतलब कौन है ये? कहाँ से आते हैं? And now try to understand that when you have so many people, the circus will start. मुझे ड्रग दो। Again, I'm repeating the same thing. कि माँबाप बच्चों को बोलते थे ये क्या फालतू की चीजें देखते हो? News देखा करो, knowledge बढ़ेगा, गड्ढे का knowledge बढ़ेगा। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दिस मैन वाज डूइंग दिस एंड इट्स गोइंग ऑन लाइक दिस। ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी। नाउ लिसन टू वेनम चोपड़ा। इफ ही वांट्स टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी ही इज फ्री टू डू सो, बट ही इज सेइंग ऑल दीज थिंग्स ऑन अ न्यूज चैनल। बस सोच के देखो, क्या ये एक पत्रकार की तरह साउंड कर रहा है? मोदी कभी देश नहीं झुकने देंगे। आज भारत को मोदी की सबसे ज्यादा जरूरत। मोदी है तो सुरक्षित भारत मुमकिन है। दुनिया में जंग, भारत सुरक्षित सिर्फ मोदी के संग। अच्छा, हमको सिखा दिया है। Honestly, he's beating a party spokesperson. Party spokesperson भी क्या बोलेगा जैसे ये बोल रहा है। दुनिया में जिस तरह का माहौल है, भारत कैसे बचा हुआ इन चीजों से और भारत में कैसे स्थिरता, या मोदी का होना हमारे लिए या भारत के लिए कम से कम आज बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब मुझे लगता है बीजेपी वाले इसको देख के सोचते होंगे, अरे हाँ ये भी तो एक पॉइंट है जो हम बोल सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी कूटनीति के जरिए ऐसा संतुलन साधा कि जिस युद्ध से भारत को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी, उस युद्ध के दौरान भी भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इसकी मार देश की जनता को ना झेलनी पड़े, गरीब जनता पे मार एंड ऑल। सीरियसली, इन्फ्लेशन वेनम, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये बात अलग है कि तू बात नहीं करता यार वेनम। मतलब हमने रूस से डंके की चोट पर तेल खरीदा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, आई वाज वेटिंग फॉर दैट। मतलब हमने रूस से डंके की चोट पर तेल खरीदा। Why can't we see the results right now, Venom? भारत और रूस के संबंध बहुत पहले से अच्छे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ 2014 के बाद ठीक हुए। सीरियसली, ये सवाल पत्रकार का था कि जनता को अभी भी इतना सारा पैसा क्यों देना पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के लिए। इसका रीजन ये है कि जब इलेक्शन आएंगे तब कम हो जाएगा।
But the problem is that he is saying all these things as a journalist on a news channel and then people will consume it. और लोग थोड़ा समझते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं और फिर ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं। समझ नहीं पा रहे हो, जब 2008 में चंद्रयान जब गया था ना फर्स्ट टाइम पे, वो टेक ऑफ भी हो गया था, उस टाइम पे क्या हुआ था पता है आपको? उस टाइम पे ना भारत के अंदर वो नहीं था, वो नहीं है जो आप समझना चाह रहे हो ना, वो डिजिटल नहीं है अभी। ये जो वो नहीं है ना, ये कहां से आ रहा है? गोदी मीडिया से आ रहा है। एक्चुअली ये जो पूरा डिस्कशन हो रहा है चंद्रयान के ऊपर हो रहा है। 2008 में चंद्रयान 1 को गिरा दिया था अमेरिका। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है किसी का गिरा क्या दिया था ये हमने समझा। भारत बर्ड कहां पाया था उस टाइम पे? चांद को, चांद उसको बेच के ना कर्जा लेने से मतलब नहीं था, उसको बेच तो दिया तुमने, ठीक है कर्जा ले लिया तुमने, उसको भेज दिया, वापस आ गया था वो, वापस आ गया वो, वापस आया नहीं आया, पर तुमने उसको भेज के कर्जा तो ले लिया। अभी जो है ना, जो है सब पे चंद्रयान 1 गया था लेकिन अमेरिका ने गिरा दिया। सो दिस इज द रिजल्ट इफ यू कंज्यूम गोदी चैनल्स। समझो कितना दिमाग उसका भर दिया गया है। एक रुपए ना अमेरिका का, एक रुपए का ना 60, एक डॉलर का ना 60 रुपए हो रहे हैं, ठीक है 60। अबे बुरी हालत में अभी रुपया कौन समझाएगा? पर सच में You should not blame him. You should blame these news channels. Dalal! But hold on for a second. That's not enough, guys. अगर आपको लगता है कि ये journalism बेकार है, तो मैं आपको इससे भी बदतर journalism दिखाता हूँ। ये school के बच्चे करते हैं ना, नाम चढ़ाना, आया करना, ये होता है news channels में आजकल। Still, school kids have some standards nowadays. I mean, this. You guessed it right. मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ? Our dear Navika Mudavai. कचरा आप चुनकर लाइए। मिचले Making faces, saying wrong names. It's so silly and stupid. पत्रकारिता एक बहुत serious काम है, क्या हो रहा है? अब ये क्योंकि ये जो boycott हुआ था ना anchors का, उसका जो है ना गुस्सा कैसे निकाला जा रहा है? पार्टी के आगे चिरकुट बोल देते हैं। चिरकुट पार्टी कांग्रेस के साथ भी है। सीरियसली ग्रो अप गाइज, व्हाट आर यू डूइंग? हैव सम स्टैंडर्ड, यू आर कॉलिंग योरसेल्फ अ सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट एंड यू आर डूइंग दिस। चिरकुट पार्टी कांग्रेस, यू नो द राइट वे इज दैट यू शुड बी मोर सिंसियर टुवर्ड्स देम एंड शो देम देयर प्लेस। इंस्टेड ऑफ दैट यू आर एक्चुअली तारिक अहमद भाई ध्यान फरमाइएगा, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश आ रहा है, यहाँ पर आपकी लड़ाई जो है चिरकुट पार्टी कांग्रेस के साथ भी है। ये हमारे जर्नलिस्ट है। सो द थिंग इज, पत्रकार बनो, प्रवक्ता मत बनो। अगर कोई आम आदमी किसी पार्टी को सपोर्ट करता तो उसको करने दो। आप तो पत्रकार हो, आपको तो निष्पक्ष रहना चाहिए। एक ही छोटा सा बिट वायरल हो रहा था, एक आरोप, एक जो आप वादा करके आए थे 18, उनके तरफ आरोप, आप कुछ पूछो यार सर, आरोपी है। He was actually asking a question and he actually pointed a right thing. मैं तो आपसे वही आरोप पूछ सकता हूँ ना जो जो पब्लिक डोमेन में है। वही आरोप लगाते हैं। आप अपने तरफ से कुछ बात करो। मैं वो भाजपा के प्रवक्ता के बात मत बोलो, उसके आरोप मत बोलो, आप अपने बोलो ना अभी। अच्छा, आप सरकार में तो आप पर आरोप कौन लगाएगा? आप लगाओ ना। एग्जैक्टली, वो शायद भूल गए थे कि वो जर्नलिस्ट है, याद दिलाया गया उनको। आप पत्रकार हो, आप लगा सकते हैं मुझसे सवाल, पूछ सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। तो वही करिए, सवाल पूछिए मुझसे। Guys, this is all going on the name of journalism. हमारी बस ये कोशिश होती है कि देश की पत्रकारिता का स्तर सुधरे, जिससे आम लोगों का भला हो। ये डेटा ब्रीच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 81.5 करोड़ एक छोटा नंबर नहीं होता है। ये सबकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होगी तो ना जाने क्या 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 हो सकता है। उस पर सवाल उठाने की बजाय, उस पर क्वेश्चन पूछने की बजाय मीडिया ना जाने क्या कर रहा है। ये तो हम और आपसे जुड़ी हुई बात है, बट यू कांट फाइंड एनी जर्नलिस्ट हु इज आस्किंग अ सेंसिबल क्वेश्चन। So, यही सब चल रहा है। एट द एंड द ग्रेट ओशो, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, मुंह पर भोलापन और आंखों में मक्कारी लाइए, फिर क्रमशः भोलापन को दीनता में बदलिए और मक्कारी को चाटुकारिता में परिवर्तित कीजिए। अब टांगों को सीधा रखकर धीरे धीरे झुकते हुए नासिका को जमीन पर पहले से रखे हुए जूतों पर रगड़िए और गहरी गहरी श्वास लीजिए। कोहनियों को पेट से सटाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा बनाइए। जब तक जूते हटाना लिए जाएं तब तक सीधे खड़े मत होइए। तो करना